हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने बालों में ना कोकोनट ऑयल लगाया है। आज सैटरडे है और मैं इसको हमेशा एवरी वीकेंड पे मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ और मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है। यूँ तो मैं क्या बोलते हैं आंवला का तेल भी यूज़ करती हूँ, पर मेरे पास कोकोनट ऑयल है तो मैंने कोकोनट ऑयल अपने बालों पे लगाया है और इसको मैं कम से कम 2 दिन तो रखूँगी। नेक्स्ट यानी कि संडे अपने बालों को शैम्पू कर लूँगी गुनगुने पानी से। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों को सुखाने के लिए कोई हेयर ड्रायर यूज़ ना करूँ, कोई गर्म चीज़ अपने बालों पे ना लगाऊँ। अगर ये सूखें तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से सूखें, नो हेयर ड्रायर, नथिंग हॉट इन योर हेयर। आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो है पतंजलि का। पतंजलि का बॉडी उबटन है ये। ये 100 ग्राम का पैकेट है, केवल 60 रुपये में आता है। ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसके अंदर वो सारी सामग्रियाँ हैं जो कि हमारे घर में रहती है, जैसे कि मसूर दाल, उड़द दाल, कपूर, हल्दी, जौ, पीली सरसों और चावल। ये सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट के अंदर मिक्स हैं और पाउडर के रूप में है, यानी कि इसको पाउडर की तरह पीस लिया गया है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। मूंग दाल, उड़द दाल, चावल, पीली सरसों, कपूर, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने घर में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। चलिए शुरू किया जाए। ये मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। अब इसमें मैं मिलाऊँगी, मेरे पास गुलाब जल है, आप अगर चाहें तो पानी मिला लीजिए, मेरे पास गुलाब जल है। और एक स्मूथ, फाइन स्मूथ पेस्ट मैं बना लूँ और इसको बना के मैं कुछ देर रखूँगी, कम से कम 5 मिनट्स मैं इसको रखूँगी। अगर आपकी त्वचा ड्राई है, सूखी है, तो आप इसमें दूध या दही मिला लें। ये मैंने उबटन बनाया है, ये काफ़ी थिक बनाया है, ये देखिए गिर नहीं रहा। ये मैंने इसलिए थिक बनाया है क्योंकि ये इससे जब मैं मसाज करूँ तो ये मेरे कपड़ों पे ना गिरे। आप एक एप्रन का यूज़ कर सकते हैं, टॉवल से या कोई भी कपड़ा अगर है आपके पास उसे आप अपने आप को पहले कवर करें, ढक लें, उसके बाद ये मसाज आप शुरू करें। कोई आप अपने चेहरे पे कभी भी कोई भी फेशियल यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आप अपने चेहरे को, अपने स्किन को पहले अच्छी तरह से क्लेंस कर लें, साफ कर लें। तो ये मैं अपने हेयर को पहले टाई कर लूं। कोहनियों में, ये जो कोहनियां होती हैं यहाँ पे भी आप यूज करिए। कोहनी में लगा लीजिए आप, चाहे गर्दन होती है, बैक। मसाज हमेशा ऊपर की तरफ करें, ऐसे इस तरह से। कभी भी आप मसाज करते हैं, कोई फेशियल यूज करते हैं, तो आप अपने स्किन को पहले क्लीन कर लें, साफ कर लें और अपने हाथों को पहले धो लें, उसके बाद आप कोई भी फेशियल, कोई भी फेस पैक, कोई भी फेस मास्क आप तब यूज करें। अगर ये सूखने लगे तो आप प्लेन वाटर या गुलाब जल से थोड़ा सा अपने हाथों में गुलाब जल या प्लेन वाटर लेके आप दोबारा से ऐसे फेशियल कर सकते हैं। तो
काफ़ी देर मैंने मसाज कर लिया है और अब ये थोड़ा सूख भी गया है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा अब अपने फेस को धो लेती हूँ। मैंने अपने फेस को धो लिया है और सच बताऊँ बहुत ही स्मूथ मुझे लग रहा है, बहुत सॉफ्ट, बड़ा स्मूथ। वाह, सचमुच ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई पतंजलि का ये जो बॉडी उपकरण है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इट्स रियली नाइस।